ये मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप एक बार बना के देखिए, ये चटनी से भी खाएंगी, बहुत टेस्टी लगेगा। हेलो नमस्ते, मैं शशि वर्मा, आप सभी का स्वागत है मम्मी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ अलग तरीके से नाश्ता, अनियन रिंग्स। आइए शुरू करते हैं। मैं झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मैंने बहुत बड़ी प्याज ली है और इतनी बड़ी ही प्याज लगेगी, छोटी प्याज से नहीं बनेगा। और छोटी प्याज से बन तो सकता है, वो छोटा लगेगा, इसलिए आपको बड़ी प्याज लेना है। मैं आपको छील के और काट के दिखाऊंगी। तरह से गोल गोल काट लेना है प्याज को, घुमा घुमा के सलाद की जैसे काटते हैं। थोड़ा सा मोटा काटना है, ये घुमा घुमा के आप काटें, बहुत आसानी से कट जाती है। जैसे ये छल्ले बने हुए हैं, और ये मोटे प्याज काटना है, इतना मोटा, इस तरह से ऐसे घुमा घुमा के आप काटेंगे वो कट जाएगा। और इसी तरह से एक पार्ट और निकाल लेना है इसका मोटा सा। ये देखिए, अब ये चीज़ बची है, आप इसको सब्जी में यूज कर सकते हैं। प्याज को फेंके नहीं, क्योंकि प्याज बहुत महंगा है। अनियन रिंग्स बना रहे हैं, देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इस तरह के छल्ले चाहिए। अनियन रिंग्स बनाने के लिए मैंने प्याज काट लिया है, और इस तरह के छल्ले निकालना है प्याज के, छोटे बड़े साइज के। थोड़ी जगह रहना भी चाहिए, छोटे बड़े साइज के छल्ले लगाएंगे आप तो उसमें जगह रहेगी। तो प्याज बची हुई है, ये आप सब्जी में यूज कर सकती हैं। ये मैंने चीज ले लिया है मोजरेला, जो आप पिज्जा में डालते हैं वो वाला चीज मैंने लिया है। अब इसको मैं लंबे लंबे पीस काट लेती हूँ। ऐसे पीस काटना है पतले वाले, ये बहुत अच्छा बनता है। आप इस तरह से बना के देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से काटना है, पतले पतले पीस काट लेना है। ये छल्ले बनाए थे, ये छोटे बड़े साइज के हैं। अब मैं इसी में चीज लगा के दिखा रही हूँ, मतलब पीस काट लिया है। अब मैं इसमें इस तरह से फंसा देती हूँ, दूसरा पीस भी लेते हैं। ये देखिए मैंने फंसा दिया है, कितने अच्छे से इसमें चीज लगा दिया है। दूसरा दिखाती हूँ आपको, इस तरह से पल लगा के देखिए मैंने चीज प्याज में डाल दिया है। नॉन वेज की रेसिपी है, नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको ब्रेड क्रम्स बना लिया है मैंने। ये दो अंडा लिया है, इसको फोड़ के फेंट लिया है। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आपके पास तो मैदा भी ले सकते हैं। मोजरेला चीज को मैंने ये प्याज के साइज लच्छे में लगा दिया है। तेल डाल देती हूँ, डीप फ्राई करना है तो तेल को अच्छा गर्म होने देते हैं। जब तक इसको सबसे पहले में कॉर्नफ्लोर में करना है, कॉर्नफ्लोर को इस तरह से मिला लेना है। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा डाल सकती हैं, मैदा में भी कवर कर सकती हैं। मैंने ये कवर कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको अंडे में डिप कर रही हूँ, अंडे में इस तरह से डिप करना है। नमक मिर्ची कुछ नहीं डालना है आपको, सादा सिंपल बनाना है। ये देखिए, ये मैंने अंडे से कवर कर लिया है। अब इसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा बनता है। आप इस तरह से बना के देखिए एक बार, आपको बहुत पसंद आएंगे। बच्चे भी खा सकते हैं, छोटे बड़े भी। अगर आपको मिर्ची, हरी धनिया मिर्ची डालना है तो आप डाल भी सकती हैं, मैंने नहीं डाला है। ये देखिए इस तरह से, वो बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आने वाला वीडियो देखते रहिए और पिछला वीडियो भी देखते रहिए। ये देखिए इस तरह से बनेगा। इसी तरह से मैं सारे बना के रख लेती हूँ। बना के तैयार कर लिया है प्याज के रिंग बहुत अच्छे से। अब मैं, तेल अच्छा गर्म हो गया है, देखिए धुआं निकल रहा है। अब मैं इसको सेकती हूँ। इसी तरह एक और डालती हूँ। गैस को एकदम मीडियम रखें, बढ़िया कलर आ गया है। मीडियम गैस पे इसको सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो क्या होगा, सेक नहीं पाएंगे और जलने लगेंगे। ये सेक गया है, कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको साइड से टिका लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा तेल रहता है वो वापस से कढ़ाई में चला जाता है। ये देखिए,
मैंने बना के अनियन रिंग्स बना के तैयार कर लिया है, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी है। चटनी से खाइए, सॉस से खाइए, जी आपकी पसंद है। आप एक बार बना के देखिए, आपकी फैमिली में बहुत पसंद करेंगे, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आने वाला वीडियो देखते रहिए और पिछला वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।